भ्रष्टाचार की मुहिम रंग लाई और सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं। हाथरस कांड की अब जांच सीबीआई टीम करेगी। सीएम ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाथरस मामले की सीबीआई जांच होगी। योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और उसके बाद भारत समाचार की मुहिम किस तरीके से रंग लाती है, भारत समाचार की मुहिम का बड़ा असर होता है और सीबीआई जांच को मंजूरी मिलती है। ये भारत समाचार की जीत है, सीबीआई जांच ये सच की जीत है और अब आगे जांच जो होगी वो सीबीआई करेगी। जिस तरीके से लगातार मांग उठ रही थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब उसको लेकर आखिरकार ये मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि अब सीबीआई इस पूरे मामले को हैंडल करेगी और सीबीआई ही इस पूरे केस को आगे तक देखेगी, कौन इसमें दोषी है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, किन किन लोगों ने झूठ बोले अभी तक, उन सबके चेहरे बेनकाब हो गए। अब सीबीआई इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेगी और हाथरस कांड की जांच अब सीबीआई। तो भारत समाचार की मुहिम लगातार रंग लाती हुई फिलहाल देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हमने आपको भारत समाचार में दिखाई हैं। इस पूरी महामुहिम से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर आपके सामने हमने रखी। जब से ये पूरा मामला उठा है तब से लेकर आज तक हम लगातार इसी खबर पर आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। वाकई ये बहुत बड़ी जीत है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो परिवार ने जो अपना स्टैंड बनाए रखा है ये उसकी भी बहुत बड़ी जीत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह अक्षम है ये उसकी एक नजीर है। पूरे देश ने देखा कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से उनकी नौकरशाही पिट चुकी है, उसमें किसी भी तरह का कोई स्टैंड लेने का बल नहीं रह गया है। पूरी तरीके से उनकी जो अक्षमता है वो सामने आई है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सीबीआई जांच के आदेश कर दिए गए तो उस डीएम को हटाने के आदेश आखिर क्यों नहीं किए गए, जो पहले दिन से ही इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करके दबाव बना के परिवार के ऊपर और पूरे केस को बिगाड़ रहा था, परिवार को ऊपर दबाव बनाकर इंसाफ की राह को रोक रहा था। बिल्कुल नरेंद्र, यही मांग थी परिवार की कि डीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें पूरा यकीन है कि भारत समाचार जिस तरह से जिस आक्रोश के साथ परिवार वालों के साथ तब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहता था आज वही हो गया है। देखिए सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है और अब हमें विश्वास है कि हाथरस की गुड़िया को जो 14 तारीख से भारत समाचार हाथरस की जमीन पर इस भूलगढ़ी गांव में जो खड़ा है ना इंसाफ दिलाने के लिए, उसकी जीत हुई है और अब मुझे यकीन है कि डीएम पर कार्रवाई भी जल्द से जल्द होगी। आज ही डीजीपी साहब आते हैं, एसीएस होम साहब आते हैं, उनसे परिवार वाले कहते हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। भारत समाचार 14 तारीख से लगातार संघर्ष कर रहा था। आज पीड़िता के पिता ने मुझसे एक्सक्लूसिवली बात की थी, जो किसी से बात नहीं कर रहे इस वक्त। पिता की हालत बहुत खराब है। हमने भारत समाचार ने उनको नजरबंद से छुड़ाया, हमने उनको बाहर निकाला। हमारी जीत है, भारत समाचार की महाविजय है। ये जश्न का दिन है। इस वक्त पर पूरे प्रदेश पूरे देश के लोग बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि देश की बेटी हाथरस कोई हाथरस की गुड़िया कोई दलित बेटी नहीं थी। हाथरस की गुड़िया पूरे देश की बेटी थी। उसको सिर्फ दलित की बेटी की तरह से न्याय नहीं मिलेगा, पूरा देश उसके साथ था, पूरा प्रदेश उसके साथ था। और इस वक्त पर सबसे बड़ी खबर कि भारत समाचार जो लगातार कह रहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए और अब देखिएगा सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र, पुलिस हाथरस प्रशासन जिस तरह से छुपा रहा था, जिस तरह से इन्होंने परिवार वालों के साथ किया, बॉडी जला दी, परिवार वालों को नजरबंद कर दिया, प्रताड़ित करते रहे, अब तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये सब कुछ हुआ उसमें दोषी थे डीएम एसपी, लेकिन उनको एसडीएम भी थे, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनको शासन में बैठे ऐसे कौन से अफसर थे जो इशारा देकर उनसे ये सब करवा रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो मौनी बाबा बने हुए डीजीपी हितेश चंद अवस्थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और अवनीश अवस्थी,
जो ACS होम है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो अक्षमता है, प्रशासनिक अक्षमता, वो पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। उन दोनों अफसरों को भी हटाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गरीब मजलूम की आवाज कैसे दबाई जाती है पूरे सूबे ने देखा, देश ने देखा, और ये भी देखा कि यही अफसर थे जो अपनी उंगलियों के इशारे पर पूरे सिस्टम को हिला रहे थे, चला रहे थे, और डीएम, एसपी, एसडीएम, एडीएम सब उनके हाथों की कठपुतलियां बने हुए थे। भारत समाचार ने इस मुहिम को आगे ले गए। और पहले नरेंद्र में आप एक और बात, हम 14 तारीख से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और इस वक्त हमारी जीत हुई महाविजय। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए चाहता था, मुख्यमंत्री जी ने उनकी सारी मांगे मान ली, सीबीआई की जांच को सिफारिश कर दिया और उस पीड़ित परिवार के लिए ये घटना हुई, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की 3 महीने में उनको ऐसी सजा दिलाने की बात हुई है कि निश्चित तौर से फांसी हो, और दूसरी तरफ उस परिवार के, पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए उन्हें हाथरस में आवास सरकारी देने की बात की गई है, 25 लाख रुपया उनको मुआवजा दिया गया है। जब पूरा देश बेटी को न्याय दिलाने में लग गया, पूरा देश कहने लगा कि योगी सरकार बलात्कारियों को बचा रही है, तब मुखार बिंदु से कुछ बोले हैं योगी जी, वो भी ट्वीट के माध्यम से। योगी जी, 28 तारीख को आप उन्नाव गए थे, आपके मंच पे आपने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? कुलदीप सिंह सेंगर, बलात्कारी की जो पत्नी है, उनको। तो एक तरफ आप बलात्कारियों के परिवार के लोगों को मंच पर जगह देंगे और दूसरी तरफ कहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम जानते हैं आपकी मंशा दरिंदों को बचाने की है, लेकिन ये देश उन दरिंदों को नहीं बचाने देगा। दिखावा बंद करिए, परिवार सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में जांच चाहता है, क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? न्याय जब देना था दिए नहीं, इलाज कराना था कराए नहीं, रात को आनन फानन में आपने दाह संस्कार करा दिया, छोटे मोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। देश जानना चाहता है कि आपकी कार्रवाई क्या हुई। साथ हमारे संवाददाता प्रज्ञा जुड़ चुकी है हाथरस से सीधे। प्रज्ञा, देखिए महामहिम हम यानी कि भारत समाचार की विजय होती हुई सीबीआई जांच करेंगे इस पूरे केस की, आज आपने क्या परिवार वालों से बातचीत किया, अभी उनका क्या रिएक्शन है? हालांकि पहले वो सीबीआई जांच के लिए मना करते आए थे, लेकिन फिर भी इंसाफ दिलाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा कदम। देखिए शिवांगी, हाथरस की ये सबसे बड़ी खबर है, हाथरस कांड की सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारी मुहिम भारत समाचार तो शुरू से परिवार वालों की ये मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन ने, हाथरस के डीएम ने इन सभी राजों पर पर्देदारी रखी, लेकिन अब उन सभी राजों से पर्दा हट जाएगा और जो भी डीएम साहब ने किया है उन सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी और जाहिर सी बात है कि डीएम साहब भी निलंबित होंगे, क्योंकि जो किया है हाथरस प्रशासन ने, परिवार से ना मिलने देना, परिवार को नजर बंद कर देना, परिवार को प्रताड़ित करना, बॉडी जला देना, एक झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलना, एक गलती करते हैं हजार गलतियां करते जाते हैं, तो यहां पर जो पुलिस प्रशासन ने लगातार भटकाया है, लगातार झूठ बोला है, उसकी जीत भारत समाचार 14 तारीख से संघर्ष कर रहा है और 14 तारीख से संघर्ष के बाद कल यह जीत हुई है कि अब निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि परिवार के लोग साफ साफ कह रहे थे कि हमें हाथरस पुलिस पर भरोसा नहीं है, हम यहां के प्रशासन पर, डीएम पर, एसडीएम पर, यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, उनका तो ये भी कहना था कि हमें सरकार पे भी भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार पर, क्योंकि वो इतने दिन से परेशानी झेल रहे थे, इतने दिन से न जाने किन किन हालातों में थे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। आज कल जितने दिनों से लगातार मीडिया यहाँ पर है, जब भारत समाचार यहाँ पर 14 तारीख से संघर्ष कर रहा है, तब यहाँ पर डीजीपी साहब आते हैं, सीएसओम साहब आते हैं, इतने दिनों के संघर्ष के बाद तब एक बात होती है कि अब सीबीआई जांच होगी, तो ये जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई बहुत अच्छी है और सीबीआई जांच होनी चाहिए जिससे निष्पक्षता से। तो प्रज्ञा, क्या अब वो परिवार वाले संतुष्ट हैं? क्योंकि कल देखिए वहां पर एसीएस होम पहुंचे और इसी के साथ डीजीपी वहां पर पहुंचते हैं, क्या उनके पहुंचने के बाद अब परिवार वाले आपको संतुष्ट नजर आ रहे हैं? आपका उन्हें सरकार पर भरोसा हुआ है कि उनकी बेटी को और उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। हमारे धाकड़ रिपोर्टर नरेंद्र जी परिवार से मिलकर क्या है, इन्होंने लगातार परिवार के सभी लोगों से बात किया, आप इनसे सुनिए पूरा हाल यहाँ का। देखिए, परिवार जो है शुरुआत से ही
ये कह रहा था कि जो जिलाधिकारी हैं वो घर के अंदर आकर उन्होंने धमकाया है और लगातार उनके ऊपर प्रेशर है। रात को, जिस रात को बेटी की लाश जलाई गई, इसी दरवाजे पर उसकी माँ एक मन्नत मांगती रही, हाथ जोड़कर कहती रही, पल्लू फैला कर कहती रही कि किसी भी तरह उनकी बेटी को उनके घर की डोंडी तक आने दिया जाए। वो सारी रस्में करना चाहते हैं जो एक जो बेटी है उसके साथ जो करनी चाहिए वो सारी रस्में करना चाहते हैं, लेकिन नहीं करने दिया गया। अब जब सीबीआई जांच का आदेश हो गया है तो निश्चित तौर पर अगले 48 घंटे में यहाँ पर सीबीआई की टीम दिखेगी और सारी फाइल्स जो है वो सीबीआई को आज ट्रांसफर की जाएगी। आदेश पहुंच चुका होगा, केवल फाइल ट्रांसफर होना है और गाजियाबाद से सीबीआई टीम को यहां तक पहुंचने में केवल 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो स्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं अब यहां पर, और वो असर भी देखा जा रहा है। जो तैनात पुलिसकर्मी हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनका जो तेवर है वो अब नीचे जाता हुआ दिख रहा है, उनका पारा जो है बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। तो बिल्कुल वो नीचे हो गया है। और रही सही कसर, जब सीबीआई इस पूरे मामले की परतें उधेड़ेगी तब निकल कर आ जाएगी। और बहुत लाजमी होगा कि जो सोसाइटी की जो दूसरी जांच की बात कर रहे थे, दूसरी रिपोर्ट की बात कर रहे थे अधिकारी कल यहां पर, जो डीजीपी और एसीएस होम्स आए थे, तो आज वो जब जांच वहां पहुंचेगी निश्चित तौर पर डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिसने इस परिवार को घर के अंदर जाकर धमकाया और बेटी की रात को 2:30 बजे लाश जलवाई है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह डीएम ने किया है और डीएम को इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। अच्छा, कल प्रियंका गांधी आती है, राहुल गांधी आती है, नरेंद्र, प्रियंका गांधी काफी वो दृश्य काफी मार्मिक था, हम तो वहां पर खड़े थे देख रहे थे कि प्रियंका गांधी गले लगाती हैं, तो इन सब का क्या असर होगा, आपको क्या लगता है, मतलब इसका जो असर है क्या यही सब जो प्रेशर पड़ा है, जो मनोबल परिवार का यहाँ के पुलिस ने, प्रशासन ने, डीएम ने तोड़ा है, उस मनोबल को बढ़ाने का काम पहले मीडिया ने किया, उनके साथ खड़ी हुई, और उसके बाद जब एक विपक्ष के बड़े नेता यहां पर आए तब उनसे उनका मनोबल और ज्यादा पुख्ता हुआ है। निश्चित तौर पर अब ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी के नेता मुंह दिखाने लायक नहीं है जो यहां पर आए और परिवार के साथ खड़े हों। तो सवाल उठते हैं कि नहीं कि देखिए सरकार इतने दिन तक सोती रही और जब कहते ना हाथी निकल गया पूछ बची, तब यहां पर आते हैं सरकार के नुमाइंदे। आप देखिएगा कि बीजेपी का सांसद यहां, बीजेपी के विधायक यहाँ, और पूरा ये जो इलाका है बीजेपी उन्हीं के वोटों से यहाँ पर अपनी सरकार चमकाई हुई है, अपने सांसद विधायक यहाँ पर बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक पीड़ित परिवार, दलित परिवार, गरीब परिवार, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है इंसाफ के लिए, वो यहाँ से घर के बाहर नहीं जा सकता, वो आर्थिक रूप से भी तंग है, उसको मदद करने के बजाय उसको दबाने और कुचलने का काम यहाँ के डीएम ने, जिला प्रशासन ने किया है, उसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। देखिए, ये जो एक कानूनी न्याय है इससे अलग एक प्राकृतिक न्याय होता है। ऊपर वाला भी देख रहा है कि कभी ना कभी वो पल आएगा जब इस डीएम के पापों का घड़ा जो है वो बढ़ेगा। प्रज्ञा, जरा नरेंद्र से पूछिए, जब इन्होंने परिवार वालों से बात की है तो क्योंकि वो लगातार कहते कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्या अभी भी वो उसी मांग पर अड़े हुए या फिर वो सीबीआई जांच से संतुष्ट हो चुके हैं? इस बात का भी जवाब दीजिए नरेंद्र से। खड़े थे, रोका गया था हमें, और जगह जगह हमको इस तरीके से रोका गया था, जैसे यहाँ इमरजेंसी लागू हो, घर में पहरे लगा दिए थे, लेकिन ऐसी स्थितियां बनी, हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि हम अंदर घर परिवार वालों से मिलकर रहेंगे और उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। आप तो अंदर गए परिवार वालों से मिलने के लिए, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ था नरेंद्र, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बाहर देख रही थी जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए, आप अंदर थे, क्या बात हुई थी? देखिए, वो इतने ज्यादा खुश थे जब हमने उनको बताया कि मुहिम जो है भारत समाचार की वो रंग लाई है और अब सीबीआई जांच शुरू होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। तो जब ये उन्होंने समाचार सुना तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। सभा क्यों रही थी नरेंद्र, ये बड़ा सवाल है, सीबीआई की बात उनको, उन लोगों को कहा भी जा रहा था अगर सीबीआई की बात तो आप बोलिएगा मत, उनको डरा रहे थे, क्यों डरा उनको, उनको उनको डराने का बस यही है कि अगर सीबीआई के पास ये मामला पहुंचता है, देखिए दूध का दूध पानी का पानी होता है, सुशांत मामले में आप देख लीजिएगा, सीबीआई जांच शुरू हुई, उसके बाद में जो एम्स की टीम है, कल उसने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि दिस इज नॉट ए केस ऑफ मर्डर, प्योर सुसाइड का मामला है। तो उसी तरीके से जब हाई स्टैंडर्ड की कोई जांच होती है उसमें बड़ी पारदर्शिता रहती है, वो लोग भले ही मीडिया से बात ना करते हो लेकिन वो सारी चीजें जो है एक एक चीज निकालकर बाहर ले
लेकर आते हैं और जो भी FSL की रिपोर्ट है, इसके अलावा जो भी यहाँ के सर्कमस्टेंसेस रहे हैं वो सबसे बात करेंगे, सारी चीजों को जानेंगे और अधिकारियों ने क्या किया ये भी जानेंगे। कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात ये भी है कि दरअसल परिवार वाले बहुत डरे हुए थे, उनको विश्वास नहीं था, उनको पुलिस पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं था। और अब ये हुआ है कि अब डीएम, अब CBI की जांच होगी, हमारी जो मुहिम है वो लगातार काम कर रही है। परिवार वाले डरे हुए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम मीडिया से बात करना चाहते हैं। उनका यकीन उठ चुका था यहाँ से, सिस्टम से, सरकार से, अधिकारियों से, यहाँ के नेताओं से। वो नेता जो यहाँ पर आए थे ऐसे करके हाथ जोड़ के उन्होंने वोट मांगे और वो वोट खा के और घर में बैठ गए। जब इंसाफ देने की बात आई तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं आए, और आए भी तो उन अधिकारियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। जो यहाँ के विधायक है उन्होंने स्वीकारा, उनका कंसेंट था यहाँ पर। जो रात को 2:30 बजे बेटी की लाश जलाई गई, जो सनातन धर्म की यहाँ धज्जियां उड़ी हैं, उसमें उनका कंसेंट था, और इसी वजह से गांव के लोग भी नाराज हैं। उनका कहना है रक्षकों ने एक साथ कितने कानूनों को तोड़ा है, गाँव वालों का क्या कहना था, आप बताइए, आप तो मिलकर आए सबसे। देखिए, गाँव वाले इस पहलू पे बहुत ज्यादा नाराज हैं कि रात को 2:30 बजे जो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनको खारिज करके डीएम ने यहाँ पर रावण जैसा अट्टहास लगा के उस बेचारी माँ के सामने, और वो चला गया उसके पल्लू को रौंदते हुए और वहां पर जाकर बेटी की लाश जला दी। ये एक बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा पाप जो है डीएम ने यहाँ पर किया है। SSP की जो भी भूमिका है उसकी भी टेक्निकल जांच होगी, लेकिन जब कार्रवाई SP के खिलाफ हुई है तो डीएम के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं? उसके तो वीडियो जो है वो सामने निकल कर आए हैं, परिवार वालों के साफ साफ आरोप है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धमका रहे थे डीएम साहब यहाँ पर धमका रहे थे, बार बार कह रहे थे कि आप लोग जो हम कह रहे हैं वो मान लो। डीएम साहब की जो यहाँ पर तालिबानी शासन चल रहा था नरेंद्र, वो बहुत गलत था, अब उन सबसे पर्दा उठ जाएगा। अच्छा, एक चीज और ये भी है कि परिवार जो है, परिवार इस वक्त पर अब थोड़ा सुकून महसूस कर रहा है, अब उनको लग रहा है कि हमारे साथ भारत समाचार की मुहिम है, हमारे साथ पूरा भारत समाचार की टीम यहाँ पर डटा हुआ है। अभी तक हम तो यहीं पर रुके हैं, पूरी रात से उनसे बात कर रहे हैं। हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी ने साफ कहा था कि जब तक परिवार से मिलेंगे नहीं, जब तक उनको इंसाफ नहीं दिला लेंगे, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। और आज इतने दिन बाद भी हम यहीं खड़े हुए हैं, उसी दरवाजे पर खड़े हुए हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता। जब तक परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे, इंसाफ की जो राह है उसको और ज्यादा स्मूथ बनाएंगे। हम तो कह रहे थे सच जमीन फाड़ कर निकल आएगा। डीएम साहब, आप जितना छुपा लीजिए, आप जो करना है कर लीजिए, लेकिन सच जमीन फाड़ कर निकल आएगा। और निकला भी है, क्योंकि हम परिवार तक पहुंचे, नजरबंद परिवार को हम ही ने निकाला। एक और बात देखिएगा, उन्होंने बताया कि उनको किस तरीके से 3 रोज तक घर में बंद रखा गया, सिविल ड्रेस में जो पुलिस वाले थे, कहीं कोई मीडिया कर्मी खेतों से होकर, किसी भी जो यहाँ पर पगडंडी आए वहां से होकर अंदर ना पहुंच जाए, उसके लिए बाकायदा यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस वाले लगाए गए थे, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी थी, घर वाले खाने पीने को तड़पते रहे, बच्चे बीमार थे, नरेंद्र पिता बीमार थे, उनको इलाज नहीं मिला। और तो और यहाँ पर जो पशु उनके घर के बाहर थे वो भी खाने पीने को तरसते रहे, छोटे छोटे बच्चे। हमें कितना रोका नरेंद्र, हमें कितना रोका, आइए रास्ते में गुंडों को खड़ा कर दिया था नरेंद्र, लाठियां लेकर गुंडे खड़े थे रोकने के लिए, मीडिया को, पत्रकारों को इस तरह से बिल्कुल कर रहे थे। केवल उन्होंने अपनी ही ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने ये देखा कि अगर यहाँ पर गुंडे खड़े कर देंगे तो उससे ये होगा कि जो आक्षेप है वो नहीं लगेगा पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, वो कह देंगे कोई पब्लिक का आदमी था, वो पीट गया, और जो प्रशासनिक अक्षमता है वो भी बिल्कुल साफ हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जान लें कि उनके जो जिलों में बैठे हुए अधिकारी हैं और उनके जो लखनऊ में बैठे अधिकारी हैं वो किस तरीके से नाकारा निकम्मे साबित हुए हैं, इसको अच्छे से जान लें। और अब आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक की सरकार में ये सबसे बड़ा मामला है जिसमें भद्द सबसे ज्यादा पिटी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की। तो अब आंखें अगर नहीं खुलती हैं तो समझ लीजिएगा कि मामला गर्त में जा। देखिए एक चीज और, चलिए प्रज्ञा वहां से लगातार हमारे साथ बनी रही, वापस आपके पास आएंगे। फिलहाल वहां पर जो हालात है, जैसे हालात है, उसके बारे में प्रज्ञा ने हमें बताया है। हाथरस कांड को लेकर प्रियंका के सवाल, प्रियंका ने